अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ईद के थर्ड डे के क्लिप्स, और सेकंड डे के क्लिप्स मैंने इसलिए शेयर नहीं किए क्योंकि मैंने उस दिन छोटा सा जो है ना अपने घर डिनर अरेंज किया हुआ था, तो काफ़ी बिजी थी। तो इंशाल्लाह जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी डिटेल रेसिपी शेयर करूँगी, मैंने बनाई थी मंदी। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमने थर्ड डे की तरफ। और ये व्लॉग मैंने जो है ना इवनिंग टाइम से स्टार्ट किया था, और मैं बना रही थी नूडल्स, बिकॉज के हम दो दिनों से जो है ना मीट खा रहे थे और आज बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था कि ना बनाऊं और ना ही खाऊं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं और नूडल्स बना लेते हैं, और फिर ठहर कर बाहर कहीं आउटिंग करेंगे और फिर बाहर से ही कुछ अच्छा सा डिनर कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने नूडल्स की रेसिपी आपसे शेयर नहीं की बिकॉज़ के आई नो कि हर कोई जो है ना अपने ही तरीके से नूडल्स बनाता है। तो बस कोशिश करें कि आप लोग जो कुजीन ट्राई कर रहे हैं ना, तो उसी कुजीन के अंदर रहकर जो है ना स्पाइसेस ऐड करें, बिकॉज़ के मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो दूसरी कुजीन्स में जो है ना अपने ट्रेडिशनल स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। तो बिलीव मी, आप जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते इस तरह। तो जी इन्हीं मौक़ों के लिए किसी ने कहा है ना कि आप कुछ भी ऐसा ना करें कि जिसकी वजह से ना आप इधर के रहें तो ना ही आप उधर के रहें। तो जी कोशिश करें कि जहाँ के हैं आप वहीं के रहें। होप सो यू अंडरस्टैंड मी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं नूडल्स तैयार कर रही थी, तो दूसरी तरफ जो था हस्बैंड लेने गए हुए थे गोलगप्पे बच्चों के लिए, बिकॉज के बच्चों का काफ़ी टाइम से दिल हो रहा था कि हम लोगों ने ना चैलेंज करना है। तो मैंने कहा वैसे भी कोई इतनी एक्टिविटी करने के लिए नहीं है, तो बच्चों को जो ना थोड़ा सा इंजॉय कराते हैं और इंतजार जी एक्टिविटी कराते हैं। तो चलिए जी हम इंजॉय करते हैं ये मज़ेदार से नूडल्स, आप इंजॉय करें जाकर ये चैलेंज। अच्छा, तो गाइस यहाँ पर होने वाला है चैलेंज, और यहाँ पर चैलेंज कैसे होने वाला है कि मैंने इनकी प्लेट्स में ना 5-5 गोलगप्पा रखे हैं, और सिंपल सा चैलेंज है जो पहले खा लेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो जो पहले खाएगा वो जीतेगा। इसमें कोई टाइम की जरूरत नहीं है, जो पहले खा लेगा वो जीतेगा। हाँ, आप जो फर्स्ट 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 नहीं नहीं ये चैलेंज, हाँ ओनली 5 गोल के पास है, नॉट टू मच, विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग चैलेंज। चलिए अभी नहीं देना, अच्छा मैं स्टार्ट करने कितने लगी दे। अच्छा चलिए यहाँ पर जो है चैलेंज की तैयारी हो रही है। चलो अब जब पूरा 1-2-3 स्टार्ट, तब आपने स्टार्ट करना। आप स्लो स्लो कहना जरा। चलो जी गाइस इनका हम लोग चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 1-2-3 स्टार्ट। नो विदाउट स्पून खाना पड़ेगा। चलो शाबाश, जल्दी करो। चलो उसके में देखो अपने खाओ जल्दी से। ओके आई गिव यू टिश्यू। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ ना, रिकॉर्ड तो हो गई, क्यों नहीं हो रहा, मैं रिकॉर्ड करें। चलो भाई स्पीड पकड़ो, कितने स्लो स्लो स्टार्ट खा रहे हो। I think Emma जी जी Emma don't eat like this. देखिए ये देखिए चीटिंग हो रही है गाइस, ये देखिए जरा। नो नो डोंट डू लाइक दिस। और ये देखिए हमारे घर का चस्कोरा, और ये देखिए जरा। अहमद विन द गेम। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी वो हार गई है ना। अच्छा, तो बच्चे काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि हम लोगों ने चैलेंज करना है, तो बस मैं डिले करती जा रही थी। मैंने कहा चले दिस इज़ द राइट टाइम, बच्चे खुश भी हो जाएंगे, तो चले आज मैं ना इनसे चैलेंज करा लेती हूँ। तो जैसे कि आपने चेक किया होगा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा इनका चैलेंज, और अगर इस ऐसे आप और चैलेंजेस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। तो जी अब यहाँ पर हम लोग आ गए थे जी बाहर, और काफ़ी टाइम हो चुका था बिकॉज के बस हम लोगों ने नूडल्स खा ली थी, फिर गोलगप्पे खा लिए थे, फिर भूख ही हमें नहीं लगी। तो गाइज हम लोग आए हैं मैकडोनल्ड, बिकॉज के बच्चों को जो थी ना क्रेविंग हो रही थी मैकडोनल्ड की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10:26 हो रहे हैं, और जी लेट नाइट हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं मैकडोनल्ड। अच्छा, मैंने अपने लिए दूसरा फूड ऑर्डर किया, तो वहाँ इसके बाद हम वहाँ जाएंगे।
अच्छा, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी नहीं मूड हो रहा था कि हम लोग मैकडोनल्ड खाएं, बट बच्चों को जब भी पूछो ना कि आप लोगों ने क्या खाना है तो दे एवरी टाइम टोल्ड कि हम लोगों ने मैकडोनल्ड खाना है। तो बस बच्चों को मैंने मैकडोनल्ड ले दी थी और हम लोगों ने जो है ना ट्रेडिशनल फूड ऑर्डर किया था। चलो ले लें, चलें कुछ जो है ना ऑलमोस्ट किया, तकरीबन सब कुछ ही बंद है। और पहले ये माशाल्लाह से आप कह सकते हैं ईद के डेज़ हैं और यहाँ पर फुल गहमा गहमी और फुली जो आप कह सकते हैं ना क्राउडेड एरिया जहाँ पर ईद की शॉपिंग होती थी ना, वो सबसे फेमस जगह थी ये, और जो कि अभी है बंद। और आप जस्ट टाइम देख सकते हैं, अभी जस्ट कितना टाइम हुआ है, अभी जस्ट 10 o'clock हुए हैं और हम लोग आए हैं यहाँ से जी अपना खाना पिक करने मुगल महल। ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ का रेस्टोरेंट है, तो ज़रूर आप इनका फूड ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं ये मैकडोनल्ड, तो हम इंजॉय करेंगे ये फूड। तो चले जी, एक पालक पनीर थी और एक मीट कबाब थे, मटन कबाब। कितनी रोटी दी है और रोटियाँ कितनी हैं और हैं? अच्छा, तो जी हमारा फूड आ चुका है और यहाँ पर जो है ना बच्चों की भी पार्टी चल रही है। तो जी यहाँ पर हम लोग इंजॉय करने वाले हैं आइसक्रीम। जैसे कि आपको पता है कोई भी इंटरटेनमेंट विदाउट आइसक्रीम इज़ इनकम्प्लीट। अच्छा, तो आज जब मैं सुबह उठी थी ना तो मैंने ये सोचा था कि आज पूरा दिन जो है ना बच्चों के साथ स्पेंड करना है, उनके साथ एक्टिविटी करनी है और जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा ना तो मैं इनको जो है ना इंटरटेन कराने की कोशिश करूँगी। तो बस जी यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे और बस हम घर जा रहे थे। और जी ये देखें, आप कह सकते हैं ये कुवैत का ना सेकेंड लार्जेस्ट मॉल है एंड ईद के डेज हैं और आप देख सकते हैं कि फुल एम्प्टी है। एम्प्टी क्या बल्कि क्लोज है, बिकॉज कि यहाँ पर आफ्टर 8 o'clock अगर वैक्सीनेटेड भी लोग हैं ना तो वो भी मॉल वगैरह इंटर नहीं हो सकते। लेकिन मैंने सुना है कि आज से जो है ना यहाँ पर दोबारा से जो है ना 11 o'clock का टाइम कर दिया है, तो होप सो कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता नज़र तो आ रहा है। तो इंशाल्लाह जो है आने वाले दिन अच्छे से हों और हम सब लोग जो है दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाएँ। और जो आप ये जगह देख रहे हैं ना, ये आप कह सकते हैं ये इस सिटी का ना मेन हार्ट है ना, वो ये है। और यहाँ पर जो है ना गाड़ी पार्क करने के लिए हमें हाफ एन आवर तक वेट करना पड़ता था और आप कह सकते हैं अगर हम बाय वॉक चले जाते थे ना तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। तो होप सो गाइस कि सब कुछ जल्दी से बेहतर हो जाए। और बस हम लोग यहाँ पर घर आ गए थे और यहाँ पर मुझे इस कदर भूख लगी हुई थी ना, बिकॉज के बच्चों ने आते आते जो है ना काफ़ी टाइम लगा दिया था और हमें 11 o'clock हो गए थे। और बस सब मैंने कहा आराम से बैठ कर जो है ना अपना फूड इंजॉय करते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ की ना पालक पनीर बहुत अच्छी लगती है, बल्कि कि आप कोई भी अच्छे से इंडियन रेस्टोरेंट की ना पालक पनीर ज़रूर ट्राई करें, बिलीव मी वो बहुत ही मज़े की होती है। तो चलिए जी यहाँ पर हम लोग अपना फूड इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। तो जी जाते जाते आपसे अगेन से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पर नहीं आते हैं तो डू सब्सक्राइब, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी किसी दिन किसी नई वीडियो के साथ। तब तक जी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।